सह होम्योपैथिक डॉक्टर्स को मेरा जाएगी प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ जाएगी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित हमारे हिंदी के डेली 334वें वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट डॉक्टर हैं वो हैं डॉक्टर गौरव के भट्ट, जो कि एमबी और पीएचडी हैं होम्योपैथी में और अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और ये साईनाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसके सुपरिटेंडेंट भी हैं और NAAH और NABH कोऑर्डिनेटर भी हैं इसी कॉलेज के। इन्होंने कई सेमिनार और वेबिनार्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में प्रेजेंट किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और काफ़ी सारे रिसर्च पब्लिकेशंस में भी काफ़ी अपने पेपर्स प्रेजेंट किए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर गौरव के भट्ट के द्वारा आज हम ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, और इसी इसी से हमें सबको नॉलेज मिलेगी और विजडम मिलेगा। तो डॉक्टर लवली दैट गौरव के यू आर भट्ट, यू आर वेरी मच एक वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है टाइमिंग यू आपका आर सर। स्टिल एबल टू कनेक्ट थैंक यू मैडम। इन ऑस्ट्रेलिया, और सो हैप्पी दैट यू कैन मैं कनेक्ट। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग यू नो होम्योपैथी नेक्स्ट और संडे उसी के लीव साथ साथ साहनी आई सर एम का बहुत मीटिंग बहुत विद धन्यवाद योर करता हूँ। मॉर्निंग टाइम इन्होंने आई एम ये मीटिंग विद अपॉर्चुनिटी दी ऑस्ट्रेलियन है मुझे, ये मौका एसोसिएशन दिया ऑफ है कि मैं आज आप होम्योपैथी सभी के समक्ष एंड देन द मेरा सेम जो वे टॉपिक है साइटिका एंड इट्स होम्योपैथिक वी हैव मैनेजमेंट, लास्ट ये सेशन ऑफ प्रस्तुत कर दिस। सकूं। तो दैट विल बी माय हेक्टिक। आई स्टार्टेड मैं स्टार्ट मॉर्निंग करूं, शेयर सेवन स्क्रीन थर्टी ऑफ करूं माई टाइम टिल 9:30। हाँ जी सर, बिल्कुल जी? सानी सर स्टार्ट कर सकते हैं ना सर। हाँ जी बिल्कुल, आई एग्री बिकॉज योर ओके क्लॉक चेंज नो सो इट बिकेम 1 आवर अर्ली। यस टाइम सेविंग डेलाइट सेविंग। शेयरिंग दिख रही है मैडम सही हाउ आर से? यू ली? हाँ जी बिल्कुल यस बिल्कुल, आई एम वेल, आई एम वेल ओके थैंक ठीक यू। करीम है। जीवती आज वेबिनार में उपस्थित सभी सह होम्योपैथ्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो मेरा टॉपिक है जो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ वो है साइटिका एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट। ये टॉपिक मेरे हिसाब से आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफी सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में से एक आजकल साइटिका भी है, जिसकी वजह से काफी लोगों को, खास करके वो लोग जो आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खास करके वो लोग जिनका वर्क पैटर्न जो है, जिनकी कार्य पद्धति जो है वो ऐसी है कि जिनमें उन्हें बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है या बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, तो इन्हीं इन सभी लोगों को आजकल साइटिका की दिक्कत बहुत कॉमन हो गई है, बहुत आम हो गई है, और हमें बहुत सारे पेशेंट्स हमारी रोजाना ओपीडी में देखने मिलते हैं साइटिका के। और उसके साथ साथ होम्योपैथी जब भी वो पेशेंट्स लेते हैं साइटिका के लिए, तो मैंने ये देखा है कि काफी सारे पेशेंट्स में जिनको ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह ने सर्जरी करनी पड़ेगी उनको ये बता दिया गया था, ऐसे पेशेंट्स भी होम्योपैथी से ठीक हो चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं, साथ ब साथ उनके काफी सारे सिम्टम्स रिलीव भी रहते हैं, रिलैप्स नहीं होता है, वापस वो दिक्कत नहीं होती है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर साबित होती है साइटिका जैसे रोगों में। अब मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मैं भले ही बोल रहा हूँ बट साइटिका एक रोग नहीं है, इट इज नॉट अ डिसीज इन इटसेल्फ, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। ये एक साइन और सिम्टम है जो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो सियाटिक नर्व है जहां से ओरिजिनेट होती है उसके कंप्रेशन से या तो फिर एंट्रैपमेंट से ये एक दिक्कत जो है साइटिका ये होती है लोगों को। और ऐसा नहीं है, मेरी जो भी स्लाइड्स है इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं साइटिका की एक छोटी सी हिस्ट्री बताऊं, उसके साथ साथ साइटिका के क्या सिम्टम्स और साइंस हैं ये बताऊं, साइटिका के कॉमन कॉजेस क्या है, किन कॉमन कारणों की वजह से साइटिका होता है ये मैं बताऊं, उसी के साथ साथ हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तो देंगे ही, उसमें कौन सी दवाइयां कारगर साबित होती है मैंने ये मेरे प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करने की कोशिश की है, साथ ब साथ रेपर्टरी ऑर्गेनन का थोड़ा बहुत पार्ट जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है हमें सिमिलिमम तक ले जाने में जो बहुत हेल्प करता है मैंने वो इंक्लूड किया है। उसके साथ साथ हम
होम केयर, सेल्फ केयर एट होम पेशेंट क्या कर सकता है, घर पे ऐसे क्या नुस्खे हैं जो करने पर पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होती है, और ऐसे नुस्खे ही नहीं बट कुछ ऐसी एक्सरसाइज वगैरह भी है जो पेशेंट्स कर सकते हैं, जिसके साथ हमारी मेडिसिन के साथ अगर वो करते हैं तो उनको बहुत जल्दी से रिलीफ होता है। और मैंने अपने कुछ केसेस भी इंक्लूड किए हैं, हालांकि मैं केसेस के बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ उसकी जो जिस्ट है वो आपको बताऊंगा। और केसेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे दो चीज की है कि हम पेशेंट्स को जब दवाई देते हैं होम्योपैथी से, जब भी हम उनको ट्रीट करते हैं, तो साइटिका के जो सिम्टम्स है, अगर आप उसको पेन कह ले या टिंगलिंग कह ले या नमनेस कह ले, इन सब चीजों में पेशेंट को रिलीफ है, और पेशेंट जो बोलता है उसको हम हमारे केस पेपर में कैसे रिकॉर्ड करें, ऐसे क्या पैरामीटर्स है जिनको लेकर हम पेशेंट को अच्छा है नहीं है, कितने प्रतिशत अच्छा है, ये हम जान सकते हैं। तो ऐसे दो स्केल है बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं साइटिका के ट्रीटमेंट के दौरान, तो मैंने वो इंक्लूड किए हैं जिसके बारे में मैं आप सभी को अवगत करना चाहूंगा। और लेट अस स्टार्ट। मैं जैसे मैंने कहा था कि मैं साइटिका की थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करूंगा। साइटिका जो है ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा सिम्टम या साइन है जो पिछले कुछ 5 या 10 सालों में पाया गया है, ये साइन सिम्टम जो है ये कई रोगों की वजह से होती है, और ये बहुत सालों से एंशियंट जमाने से ये होता था, बट बिकॉज साइंटिफिकली हमारे पास वैसे उतने इन्वेस्टिगेशन नहीं थे तो उसका नामांकन, जिसको हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं, वो सही से नहीं हो पाया था। फिर भी टाइम पे भी इस चीज के बारे में जरूर लिखा गया है और लोग इसके बारे में जानते थे। सिर्फ ग्रीक और रोमन नहीं, उनसे आगे बढ़कर अगर हम एंशियंट समय की बात करें तो जो हमारी इंडियन मेडिसिन थी, इंडियन मेडिसिन के जो भी कुछ मेडिकल टेक्स्ट थे, जो लिखाई थी, मेडिकल लिखाई जो इंडियन मेडिसिन की थी, उसमें बहुत अच्छे से, बहुत करीबी तौर पे साइटिका क्या होता है ये समझाया गया था। तो जैसे आप देख सकते हो कि हिस्ट्री में हिप्पोक्रेट्स जो थे, हिप्पोक्रेट्स हम सब जानते हैं, इज द फादर ऑफ मेडिसिन, तो हिप्पोक्रेट्स बिलीव्ड कि ये जो रोग है या ये जो साइन एंड सिम्टम्स है, ये समर और ऑटम सीजन में बहुत ज्यादा पाया जाता है, और उसका कारण ये है कि जो सीजनल पावर होती है सन की, वो जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड होता है, जिसको हम आजकल कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, उसको ड्राई अप कर देता है, और उसकी वजह से साइटिका होता है, ऐसा हिप्पोक्रेट्स ने कहा था। उन्होंने साइटिका का प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे पोस्चर से, हमारे चलने के तरीके से भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, ये भी उन्होंने अपनी टेक्स्ट में कहा गया है। इसीलिए हम जैसे बोलते हैं कि जब भी पेशेंट हमारे क्लिनिक में एंटर होता है तो ऑब्जर्वेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, जब से पेशेंट एंटर हो रहा है तब से ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप स्पेसिफिकली साइटिका की अगर बात करते हैं, तो जब कभी साइटिका का पेशेंट आपके क्लिनिक में आएगा और अगर सिवियरिटी थोड़ी भी बढ़ी हुई है उस पेशेंट की, तो सबसे पहली चीज जो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे वो ये है कि पेशेंट को चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब वो नॉर्मल, अपने नॉर्मल पोस्चर से चल नहीं पा रहा है, चाहे फिर वो लेफ्ट लेग में दिक्कत हो, राइट लेग में दिक्कत हो, या कई बार साइटिका जो है वो दोनों साइड भी हो सकता है। तो क्लॉडिकेशन, जिसको हम इंग्लिश में मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो दी गई है क्लॉडिकेशन, तो उस पे ध्यान देना और ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ये हम भी अभी करते हैं और ये हिप्पोक्रेट्स के टाइम पे भी बोला जाता था। उनके साथ साथ जो रोमन्स थे वो भी, उनके भी कई सारे तर्क वितर्क थे साइटिका को लेके, वो जो है कंफ्यूज किया करते थे साइटिका को, कई कई केसेस में साइटिका को वो लोग गाउट बोल देते थे, कई केसेस में वो ऑसियस ट्यूबरक्लोसिस बोल देते थे, कई केसेस में वो सिंपल ये बोल देते कि भाई ये जो दिक्कत हो रही है आपको, ये आपके हिप के डिसलोकेशन की वजह से हो रही है, या पोलियो तक के साथ उसको कंफ्यूज किया जाता था। बट फिर भी उस जमाने में उनके पास ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे उपाय उपलब्ध थे।
नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा था कि जो एंशियंट इंडियन मेडिसिन है वो एक अलग तरह से इंडिपेंडेंटली पूरी तरह से डेवलप हुई थी, और इंडियन मेडिसिन में जो मर्म मर्म के कंसेप्ट पे वो लोग बहुत बिलीव किया करते थे, और ये कहा जाता था कि इंडियन टेक्स्ट में ये लिखा गया है कि जो काकुंद्रम मर्म होता है, जो अप्रोक्सीमेटली लंबोसेक्रल रीजन में, एनाटॉमिकली अगर हम बात करें, हम सभी जानते हैं एनाटॉमिकली कि लंबोसेक्रल एरिया कहाँ होता है, मेरी जो नेक्स्ट दो स्लाइड है उसमें मैं दिखाऊंगा अभी, तो उनका ये बोलना था कि जो ये काकुंद्रम मर्म है इसका एग्जैक्ट लोकेशन होता है लंबोसेक्रल एरिया में। जब कभी ये काकुंद्रम मर्म किसी भी वजह से अगर इंजर्ड होता है तो पेशेंट को उस एरिया में या उसके नीचे जो सप्लाइड एरिया है उसमें लॉस ऑफ सेंसेशन होगा या फिर पैरालिसिस होगा, जो एक एक्सट्रीमिटी में या दोनों एक्सट्रीमिटी में हो सकता है। तो ये जो है आजकल की जो हमारी एनाटॉमी है, जो हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, उसके अगर सबसे करीब कोई ऑब्जर्वेशन जो दिया गया था तो वो इंडियन मेडिसिन में दिया गया था। जैसे आप देख सकते हैं, ओके, सो बिफोर गोइंग डायरेक्टली एनाटॉमी पे जाने से पहले, जैसे मैंने इनिशियल मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि साइटिका एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा टिंगलिंग नमनेस होती है, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, ठीक है, लॉस ऑफ पावर हो जाता है लोअर एक्सट्रीमिटी में। अब जब हम पेन की बात करते हैं तो पेन जो होती है ये हम सब जानते हैं कि इट इज अ टोटली सब्जेक्टिव फीलिंग, ठीक है। तो अब पेन को कैसे जज किया जाए, पेन को जज करने के लिए कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं है, फिर भी रिसर्चर्स ने ये कहा है कि पेन को जज करने के लिए एक यूनिट दिया है उन्होंने जिसको कहते हैं डोल, DOL, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि पेन कितना सीवियर है उसको वो लोग डिफरेंशिएट करते हैं डोल में, और 11 डिफरेंट तरीके के, 11 डिफरेंट डोल्स आर पॉसिबल दैट ए ह्यूमन कैन सफर फ्रॉम। बट फिर भी ये कहना आसान है, बट अगर हम किसी अपने पेशेंट को बोले कि भाई आप डोल के यूनिट पे अपने पेन को डिफाइन करें तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम ये कर सकते हैं कि भाई साइटिका जैसे कंडीशन में जहां पेन बहुत सीवियर होता है, हम पेन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक, फर्स्ट इज अ पेन यू कैन फॉरगेट, कि भाई दर्द है पर अगर आप किसी और काम में लग जाते हो तो आप वो दर्द भूल जाते हो। दूसरा है अ पेन यू कांट फॉरगेट, मतलब दर्द बना रह रहा है, आप चाहे कुछ और भी कर रहे हैं तब भी वो दर्द हमेशा है और आपको उस दर्द का एहसास हमेशा हो रहा है। और तीसरा जो सबसे सीवियर है वो ये है कि अ पेन दैट दैट मेक्स यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, ठीक है, मतलब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, आपका मन किसी और चीज में लगेगा ही नहीं, वो दर्द ही इतना सीवियर होगा कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो दैट इज अ मोस्ट सीवियर कंडीशन। तो अगर हमें पेशेंट्स को पूछना है और अगर हम ये चाहते हैं कि पेशेंट्स अपने पेन को क्लासिफाई करें, तो ये तीन सिंपल तरीके हो सकते हैं जो पेशेंट भी समझ सकता है, और एज अ डॉक्टर हम ऑब्जर्वेशन मतलब वो देख के और उसको हम हमारी टोटलिटी में भी ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम एनाटॉमी समझ लेते हैं पहले। सेक्रल प्लेक्सस, जैसे मैंने पहले भी बताया लंबो सेक्रल एरिया, तो वैसे ही जो सेक्रल प्लेक्सस है ये क्या है, इट इज अ नर्व प्लेक्सस जो मोटर और सेंसरी नर्व्स देता है, ठीक है। तो मोटर सेंसेशंस होते हैं, सेंसरी नर्व्स जो होती है पूरे पोस्टीरियर थाई को, पूरे लोअर लेग को, मतलब ज्यादातर मोस्ट ऑफ द लोअर लेग को, एंटायर फुट एरिया को और सम पार्ट ऑफ द पेल्विस को। सो ये प्लेक्सस इतना इंपॉर्टेंट है कि यहीं से सारे मोटर और सेंसरी नर्व्स आती है, ठीक है। और यही सेक्रल प्लेक्सस जो है ये लंबो सेक्रल प्लेक्सस का एक पार्ट है जो अराइज होता है सेक्रल वर्टिब्रा, दैट इज S2, S3 और S4 से। तो हम कह सकते हैं कि ये सेक्रल प्लेक्सस किससे बना हुआ है, पहला लंबो सेक्रल ट्रंक, दूसरा एंटीरियर डिवीजन ऑफ द फर्स्ट सेक्रल नर्व, और तीसरा पोर्शंस ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सेक्रल नर्व। तो यहां से जो भी नर्व्स बाहर आ रही है, जो भी नर्व सेक्रल प्लेक्सस से बन के बाहर आ रही है, वो एक साथ कन्वर्ज होती है, एक साथ मिलती है और जुड़ जाती है, और जुड़ के ये एक साथ बाहर आती है एक नॉच से,
या एक फोरामेना से, जिसको हम कहते हैं ग्रेटर शियाटिक फोरामेना, और वहां से बाहर आने के बाद जो ये सब नर्व जुड़ी हुई है, ये एक थिक बैंड बन जाता है, एक थिक फ्लैटेंड बैंड बन जाता है, और उसी को, यही बैंड जो आगे जाके कंटिन्यू होता है, उसी को हम कहते हैं शियाटिक नर्व। ठीक है, तो शियाटिक नर्व कैसे बनती है ये हम सब समझ गए। अल्टीमेटली इट इज द कन्वर्जेंस ऑफ द नर्व्स कमिंग आउट फ्रॉम द ग्रेटर शियाटिक फोरामेना। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, ये देखिए जो भी मैंने अभी तक कहा, ये एक पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। आप देख सकते हैं मैंने एरो से बताया हुआ है लंबोसेक्रल ट्रंक कहाँ है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है। ठीक है, फिर ये जहां से पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है, पुडेंडल नर्व है, ठीक है, उसकी बिल्कुल बगल से जहां से आप देख रहे हो सियाटिक नर्व जो मैंने कहा था, एक नॉच में से बाहर आते हुए जो पूरी ऊपर की जो नर्व्स है उसका एक कन्वर्जेंस है, इकट्ठा होके वो पूरी बाहर आ रही है, एक थिक बैंड बन रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे एक क्या बोलते हैं डिसेक्शन पिक्चर जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये देखिए। यस, सो आई थिंक दिस इज मोर क्लियर। अब ये जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कितनी थिक होती है हमारे शियाटिक नर्व, ये हम देख सकते हैं। और उसके साथ जो आप देख रहे हैं, मैंने 3 से 4 मसल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, सेमी टेंडिनोसस मसल है, वास्टस लेटरालिस मसल है, बाइसेप्स फीमोरिस मसल है। अब जो प्रीवियस स्लाइड थी, इसके पहले की स्लाइड थी, उसमें हम समझ गए थे कि कैसे ये नर्व बनती है। अब यहाँ पे मैंने मसल्स जो दिखाए हैं ये जानबूझकर दिखाए हैं। आप मेरी आगे की स्लाइड जब हम कॉजेस पढ़ेंगे साइटिका के बारे में, तब आप जान पाएंगे कि ये मसल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन मसल्स के एरिया को भी सप्लाई करती है, और अगर इस नर्व में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मसल वेस्टिंग भी हो सकता है, और जैसे मैंने बताया था कि लॉस ऑफ मसल पावर भी होता है, और लॉस ऑफ मसल पावर की वजह से लोअर एक्सट्रीमिटी की मूवमेंट में बहुत दिक्कत आती है, विच इज वन ऑफ द प्राइम सिम्टम्स ऑफ साइटिका। और कॉजेस की अगर हम बात करें तो पिरिफॉर्मिस मसल एक होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पिरिफॉर्मिस मसल के कॉम्प्रेशन या एंट्रैपमेंट हो जाता है अगर नर्व का, और उसका इन्फ्लेमेशन अगर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी साइटिका हो सकता है, जो हम आगे जरूर देखेंगे। गोइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ साइटिका, अब कुछ चीजें जानना जरूरी है कि साइटिका, एज वी ऑल नो, इट इज द लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी, और जैसे मैंने बताया वो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती है और पूरे लोअर बैक में जाती है थ्रू द बटक्स एंड द लेग्स। ठीक है, तो उसी वजह से साइटिक नर्व खुद और उसकी जो ब्रांचेस है वो रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट फीलिंग इन द लेग्स एंड द फीट के लिए। अब जैसे मैंने कहा था कि ये एक डिसीज नहीं है, ठीक है, तो इट इज अ सेट ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग। अब उस साइटिका के सेट ऑफ सिम्टम्स में क्या क्या आएगा, तो पहला, तो सबसे पहला है पेन दैट मे बी कॉज्ड बाय जनरल कॉम्प्रेशन एंड और इरिटेशन ऑफ वन ऑफ द 5 स्पाइनल नर्व रूट्स दैट गिव राइज टू ईच शियाटिक नर्व, और बाय कॉम्प्रेशन और इरिटेशन ऑफ द लेफ्ट और राइट और बोथ शियाटिक नर्व्स। तो इसकी वजह से पेशेंट्स को क्या क्या होता है, तो पहले, सबसे पहली कंप्लेन है पेन व्हाइल वॉकिंग और स्टैंडिंग। अब वॉकिंग और स्टैंडिंग अगर है, वॉकिंग और स्टैंडिंग के समय अगर पेन है, तो ये हम कह सकते हैं कि चलो साइटिका का एक कॉमन सिम्टम है। बट बुरी हालत पेशेंट की तब हो जाती है जब पेशेंट बैठ नहीं सकता है, मींस व्हेन द पेन इज वर्स व्हाइल लाइंग डाउन इन अ नॉर्मल स्लीपिंग और लाइंग पोस्चर, एंड देन द पेशेंट हैज नो ऑप्शन, पेशेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है बजाय कि वो सिर्फ खड़े हो जाए या चलते रहे। अब आप समझिए कि इंसान कितनी देर खड़ा रहेगा या कितना चलेगा या कितनी देर एक अनकंफर्टेबल पोस्चर में बैठेगा या लाई डाउन करेगा। सो जैसे मैंने बताया कि दिस इज वन ऑफ दी, लाइक व्हाट यू कैन से, वन ऑफ दी मोस्ट ट्रबलसम सिम्टम फॉर द पेशेंट। ठीक है, उसके साथ साथ पेन जो है वो लोअर बैक में भी रहेगा, बटक में भी रहेगा, फीट
फिर उसके साथ नमनेस, मस्कुलर वीकनेस, पिंस एंड नीडल सेंसेशन या फिर टिंगलिंग होगी, और डिफिकल्टी इन मूविंग और कंट्रोलिंग द लेग. नाउ दिस इज द मोस्ट सीवियर पार्ट. जो मैं आगे स्केल बताऊंगा उसमें भी आप देख पाएंगे कि ये जो है बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है. ठीक है, अब ये जो मैं कुछ प्रिविलेंस की बात कर रहा हूं, दिस आई एम टॉकिंग फ्रॉम द रिसर्च फैक्ट्स नाउडेज. इसके पहले मैं एक जस्ट रेफरेंस देना चाहूंगा कि एक हमारी मेडिसिन की टेक्स्ट बुक है, एपीआई टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, आप सभी जानते होंगे, उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है लो बैक पेन का. तो इस बुक में ये लो बैक पेन का चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है. अब मैं ये यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज एज यू कैन सी प्रिवलेंस में मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि साइटिका अकर्स इन अबाउट 1 out of 100 पीपल हु हैव लो बैक पेन. अब ये जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये जो है ये रिसर्च के नंबर्स है. ठीक है, एंड साइटिका हैज बिन रिपोर्टेड टू अकर इन 1 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्ट कॉमनली इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 45 years. अब जब हम कहते हैं कि 25 to 45 years, इट इज अ टोटली वर्किंग एज ग्रुप, और इसमें से 1 to 10% पॉपुलेशन में साइटिका पाया जाता है. अब उसके बाद का पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं कि इन जनरल एस्टिमेटेड 5 to 10% ऑफ द पेशेंट विद लो बैक पेन हैव साइटिका, वेयर एज रिपोर्टेड लाइफ टाइम प्रिविलेंस ऑफ लो बैक पेन इज अबाउट 49 to 70%. मतलब अपने पूरे लाइफ टाइम में 49 to 70% लोगों को कभी ना कभी किसी वजह से लो बैक पेन होता जरूर है, और उसमें से 1 to 10% ऑफ द पीपल अगर हम 25 to 45 की एज में डाल दें, तो रेट्रोस्पेक्टिवली अगर हम देखते हैं तो ये बताया गया है कि उनमें से भी 100 में से 1 लोगों को साइटिका होता है. तो मैं यहाँ पे ये एम्फोसाइज करना चाह रहा हूँ कि कितना कॉमन हो गया है साइटिका, कितना प्रिविलेंट हो गया है हमारी सोसाइटी में साइटिका. तो ये रिसर्च बता रहा है आजकल का. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, साइटिका को अगर हमें समझना है और समझ और आसान करनी है और क्लासिफाई करना है, तो हम साइटिका को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. पहली टाइप है साइटिका विच इज क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, एंड सेकेंड इज साइटिका क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन ऑफ द पेन. व्हेन यू से डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन, तो उसमें दो तरह से है, एक एक्यूट और क्रॉनिक साइटिका. अब यहाँ पे एक्यूट और क्रॉनिक प्योरली जो है ये ड्यूरेशन के बेसिस पे है. जैसे एक्यूट हम बोलते हैं कि इट माइट बी बिटवीन द पेशेंट माइट बी सफरिंग फ्रॉम साइटिका बिटवीन 4 to 8 weeks एंड द सिम्टम्स कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, वेयर एज क्रॉनिक साइटिका जो है ये यूजुअली 8 हफ्तों से ज्यादा का होता है, और हमेशा यू रिक्वायर फिजिकल थेरेपी. जैसे कि दवाई के साथ साथ ऐसे केसेस ऑफ साइटिका में आपको एक्सरसाइज की मदद लेनी पड़ेगी, हॉट या कोल्ड फोमेंटेशन की मदद लेनी पड़ेगी, और आजकल लोग एक्यूपंचर भी करते हैं, एक्यूप्रेशर भी करते हैं, और रेयर केसेस में आपको सर्जरी भी रिक्वायर्ड हो सकती है, जो हमारा लिमिटेशन आ जाता है. एंड वी शुड बी नोइंग ऑफ व्हाट आवर लिमिटेशंस आर एंड व्हेन टू सजेस्ट सर्जरी टू द पेशेंट. और दूसरा टाइप है डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन ऑफ पेन. सो द सेकेंड टाइप इज प्योरली क्लासिफाइड कि भाई पेन किस वजह से हो रहा है. सो ट्रू साइटिका है सूडो साइटिका. सो ट्रू साइटिका वो है जहां पे साइटिका होता है लंबर स्पाइन नर्व रूट के कॉम्प्रेशन से, और इसमें सबसे कॉमन कॉज है हर्निएशन ऑफ द स्पाइनल और द वर्टिब्रल डिस्क. और सूडोसाइटिका, जिसको हम फॉल्स साइटिका भी बोलते हैं, ये जो होता है ये कॉम्प्रेशन ऑफ पेरिफेरल रीजन्स ऑफ स्पाइनल नर्व. मतलब ट्रू साइटिका में डायरेक्टली स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व होती है, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन ऑफ द स्पाइनल नर्व रूट होता है, और सूडोसाइटिका में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या कॉम्प्रेशन ना होते हुए जो उसके आजू बाजू के एरिया है उन उसका कॉम्प्रेशन होता है, और उसकी वजह से साइटिका होता है. ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन सिंपल वे में मैंने बताने की कोशिश की है कि किस टाइप्स की साइटिका होते हैं.
अब बढ़ते हैं कॉजेस या इटियोपैथोजेनेसिस, किन कारणों की वजह से? ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन कारण जो है, कॉजेस जो है, वो डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहला कॉमन है स्पाइनल डिस्क हर्निएशन। अब ये हर्निएशन जो है, ये कॉम्प्रेशन ऑफ लंबर नर्व्स, दैट इज L4 और L5, और सेक्रल नर्व्स S1, S2 और S3, और डायरेक्टली कॉम्प्रेशन ऑफ द सियाटिक नर्व की वजह से हो सकता है। अब स्पाइनल डिस्क हर्निएशन में दो चीजें बहुत जरूरी है समझना, आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। उसमें भी हम बोलते हैं कि दो तरह के स्पाइनल डिस्क हर्निएशन होते हैं, एक होता है कंटेन्ड डिस्क डिसऑर्डर और दूसरा होता है नॉन कंटेन्ड डिस्क डिसऑर्डर। अब ये दोनों के नाम जो है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्यों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और क्यों इसकी वजह से क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि कंटेन डिस्क डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस पल्पोजस होता है, जो जेल लाइक मटेरियल है, वो एन्यूलस फाइब्रोसिस, जो हमारे बाहर की आउटर वॉल है जिसको हम एन्यूलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, उसके अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता है। न्यूक्लियस पल्पोजस जो जेल लाइक मटेरियल, वो बाहर नहीं आता है, और हर्निएटेड डिस्क विदाउट कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोजस वो कॉम्प्रेस करती है। हालांकि नॉन कंटेन्ड डिस्क डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो हमारी बाहर की टायर लाइक आउटर वॉल है, एन्यूलस फाइब्रोसिस, किसी वजह से उसका रप्चर हो जाता है, और वो रप्चर होने की वजह से जो न्यूक्लियस पल्पोजस है वो बाहर आ जाता है। अब ये कंडीशन ज्यादा सीवियर है इन कंपैरिजन टू कंटेन्ड डिस्क डिसऑर्डर। क्यों ज्यादा सीवियर है? बिकॉज जब कभी ये न्यूक्लियस पल्पोजस बाहर आएगा, इसके अंदर एक मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं, या केमिकल है जिसको हम बोलते हैं, हाइल्यूरोनिक एसिड। अब ये हाइल्यूरोनिक एसिड जो है, ये केमिकल इरिटेंट है, और इसका काम है नर्व का इन्फ्लेमेशन करना। तो जैसे ही एन्यूलस फाइब्रोसिस रप्चर होगा, न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आएगा, वो जो है इरिटेट करने लगेगा नर्व को और इन्फ्लेमेशन कर देगा नर्व को। तो कि नर्व का इन्फ्लेमेशन, तो इसकी वजह से पेशेंट को जो है इमीडिएट पेन, सीवियर एक्यूट पेन होने लगेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और ये डेफिनेटली हमें जो है इन्वेस्टिगेशंस हेल्प करेंगे। बट फिर भी कुछ टेस्ट है जो हम साइटिका को चेक करने के लिए करते हैं, जिसमें हमें बिफोर इन्वेस्टिगेशन पता चल सकता है कि क्या टेंटेटिव कॉज हो सकता है। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉज, दैट इज स्पाइनल डिस्क हर्निएशन। सेकेंड कॉज इज स्पाइनल स्टिनोसिस। नाउ एज यू ऑल नो, स्टिनोसिस मींस नैरोइंग। तो इसमें क्या होता है कि जब भी लोअर स्पाइन का नैरोइंग होता है, तो लंबर और सेक्रल नर्व रूट जो वहां से निकल रहे हैं, उसका डेफिनेटली कॉम्प्रेशन होगा। और ये कंडीशन, इट टिपिकली रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस। दैट इज, ये क्यों होता है स्टिनोसिस? या तो एनलार्ज हो जाएंगे फेसेट जॉइंट्स, या तो सॉफ्ट टिश्यू का ओवरग्रोथ होगा, या फिर एक बल्जिंग डिस्क जो है वो नर्व रूट पे प्रेशर दे रही है जब वो स्पाइन से बाहर निकल रही है। तो ये स्पाइनल स्टिनोसिस की वजह से सिम्टम्स आएंगे, और स्पाइनल स्टिनोसिस की वजह से जो भी पेन होगा वो डेफिनेटली पोजीशन से रिलेटेड होगा। मतलब कभी भी पेशेंट जो है वो बैठा हुआ है और फिर खड़ा हो रहा है, या खड़ा है और फिर सडनली बैठने जाता है, तब पेशेंट को जरूर दर्द होगा। अगर पेशेंट आपकी मोडालिटीज में ये चीज बताता है, सो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट स्पाइनल स्टेनोसिस एज वन ऑफ द कॉजेस। बट पेशेंट एक बार ये भी जरूर बताएगा कि ही और शी इज ऑलवेज रिलीव्ड बाय सिटिंग डाउन। ओके, सो नेक्स्ट कॉज इज पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। अब जब मैंने आपको मसल वाली जो स्लाइड है वो बताई थी, उसमें मैंने पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का जिक्र किया था। अब पिरिफॉर्मिस जो है, वो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम जो है, ये पिरिफॉर्मिस मसल के नाम पे ये सिंड्रोम का नाम है। बिकॉज नेचुरली क्या होता है कि इन नॉर्मल एनाटॉमी द शियाटिक नर्व हैज टू अंडरगो और हैज टू रन बीनीथ द पिरिफॉर्मिस मसल।
बट इन सम केसेस क्या होता है, जो सियाटिक नर्व होती है वो पीरिफॉर्मिस मसल के बीच में से गुजरती है, और जब वो बीच में से गुजरती है और जब कई मेल्स को पर्टिकुलरली अपने पैंट के या अपने ट्राउजर के पीछे की जेब में वॉलेट रखने की जो आदत होती है, तो उसकी वजह से वो कंटिन्यूस जब वो वॉलेट वहां रखते हैं और फिर बैठते हैं, तो उस वॉलेट की वजह से वो पिरिफॉर्मिस मसल पे प्रेशर आता है, और अगर पिरिफॉर्मिस मसल के बीच में से सियाटिक नर्व जा रही है तो वो पिरिफॉर्मिस मसल जो है वो सियाटिक नर्व को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को साइटिका का दर्द होगा। इस कंडीशन को हम एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी भी कहते हैं, और एक दूसरा कोलोक्वियल नाम जो इसको दिया गया है वो वॉलेट की वजह से होता है, इसलिए कहा गया है वॉलेट साइटिका। और ये भी आजकल बहुत कॉमन है, बहुत पेशेंट्स आते हैं और हम जब उनको पूछते हैं तो ये पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम जो है ये एक कॉज करके निकल के आता है। दूसरा कॉज है स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। अब ये कंडीशन में क्या होता है कि देर इज स्लिपिंग ओवर ऑफ वन वर्टिब्रा ओवर द अनदर एडजेसेंट वर्टिब्रा, फॉर एग्जाम्पल द L5 वर्टिब्रा स्लिपिंग ओवर द S1 वर्टिब्रा, और S1 स्लिपिंग ओवर S2, L4 स्लिपिंग ओवर L5 एंड हेंस फोर्थ। तो ये जो है जब कभी वर्टिब्रा स्लिप होके डिस्प्लेस हो जाएगा उसकी वजह से डेफिनेटली देर विल बी कॉम्प्रेशन ऑफ द स्पाइनल नर्व रूट। अब ये जो स्पोंडाइलोलिस्थेसिस जो है इसके होने की वजह इट माइट बी प्योरली डेवलपमेंटल, दैट इज इट माइट बी फाउंड एट बर्थ और ड्यूरिंग चाइल्डहुड, या कई बार इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम स्पाइनल डीजनरेशन, ट्रॉमा और फिजिकल स्ट्रेस, दैट इज वेट लिफ्टिंग। अभी मैं यहाँ पे ट्रॉमा में और फिजिकल स्ट्रेस में एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे वेट लिफ्टिंग का तो एग्जाम्पल मैंने दिया ही हुआ है, बट दूसरा बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो हम जानते हैं क्रिकेट में जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको लोअर बैक में कई बार आप सुनते होंगे कि ही मतलब सम सो एंड सो बॉलर हैज बीन इंजर्ड एंड द रीजन गिवन इज स्ट्रेस फ्रैक्चर इन द लोअर बैक। अब ये जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है इट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ स्पोंडाइलोलिस्थेसिस, बिकॉज इसमें क्या होता है जब कभी खास करके फास्ट बॉलर जब कभी वो तेजी से दौड़ के आते हैं और बॉल डालने के पहले जब वो अपना पैर जो है वो बहुत जोर से थंप करते हैं, जैसे अगर कोई राइट हैंड बॉलर है तो उनका लेफ्ट पैर, और अगर कोई लेफ्ट हैंड बॉलर है तो उनका राइट पैर, ये बहुत ज्यादा जोर से जमीन पे थंप होता है, और बार बार ये थंपिंग की वजह से ये पूरा प्रेशर जो है लोअर बैक में जाता है और वहां पे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, स्पोंडाइलोलिस्थेसिस हो सकता है, और उसकी वजह से उस पेशेंट को या उस खिलाड़ी को ही और शी माइट सफर फ्रॉम स्पोंडाइलोलिस्थेसिस एंड साइटिका। तो ये बहुत कॉमन है एज अ स्पोर्ट्स इंजरी, और वेट लिफ्टर्स का तो आपको पता ही है डेफिनेटली द सेम थिंग हैपेंस इन देम आल्सो। देन द सेम थिंग लाइक ट्रॉमा, फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स है या फॉलिंग डाउन है ड्यूरिंग फुटबॉल या अदर स्पोर्ट्स में है, द इंपैक्ट में इंजर द नर्व्स और ओकेजनली फ्रैगमेंट्स ऑफ ब्रोकन बोन में कॉम्प्रेस द सियाटिक नर्व। ओके, सो कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कभी कोई इंजरी हुई होती है, फ्रैगमेंट एक बहुत छोटा सा फ्रैगमेंट जो है वो रह गया होता है और उसकी वजह से फिर जाके वो सियाटिक नर्व को पिंच करता है जिसकी वजह से सियाटिका होता है। नाउ स्पाइनल ट्यूमर्स, नाउ दिस इज ऑल्सो रेयर बट आपको ध्यान रखना चाहिए, स्पाइनल ट्यूमर्स डायरेक्टली स्पाइनल एरिया में अगर है तो चलो हमें पकड़ में भी आ जाता है, हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, एमआरआई वगैरह पता चल जाएगा, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो है जिसके मेटास्टेसिस होते हैं जिसमें मोस्ट कॉमन है ब्रेस्ट ट्यूमर्स और एंडोमेट्रियल ट्यूमर्स, सो जिसकी वजह से मेटास्टेसिस होता है, और मेटास्टेसिस फ्रॉम अ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ग्रेटर सियाटिक फोरामेना में आता है और वहां पे जाके सियाटिक नर्व को कंप्रेस करता है, एंड सिमिलरली अगर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है तो वहां से भी मेटास्टेसिस होके वो जा सकता है और वहां पे सीधा सियाटिक नर्व को वो कंप्रेस कर सकता है। तो स्पाइनल ट्यूमर्स कैन आल्सो लीड टू सियाटिका। देन डेफिनेटली सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन, ये वैसे ही है जहां पे डायरेक्टली L5 नर्व इरिटेट हो जाती है,
तो ये सब जो है ये कॉमन कॉजेस थे। अब कॉजेस के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर और विच लीड्स टू साइटिका। सो द मेजर रिस्क फैक्टर्स दैट आई हैव क्लासिफाइड आर फोर। फर्स्ट इज एज, देन ऑक्यूपेशनल मीन्स व्हाट इज द ऑक्यूपेशन, देन ओबेसिटी एंड प्रोलॉन्ग सिटिंग। नाउ प्रोलॉन्ग सिटिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल फैक्टर। ओके, सो एज में ये पाया गया है कि साइटिका के केसेस जो है, मैंने बताया था आपको प्रिविलेंस वाली स्लाइड में कि 25 से 45 की एज ग्रुप में बहुत प्रिविलेंट है, बट द पीक ऑफ दिस कंडीशन और द पेशेंट्स हु आर एट मोस्ट रिस्क आर इन बिटवीन 45 टू 65। और 65 डेफिनेटली इन ओल्ड एज ड्यूरिंग 65 एंड ऑल योर बोन डेंसिटी डिक्रीजेस। बट यहाँ पे मैं बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा इन केसेस ऑफ फीमेल्स। तो एज वी ऑल नो दैट 45 इज द एज ग्रुप विच इज मोस्ट कॉमनली द फीमेल इज मोस्ट कॉमन टू हैव मेनोपॉज ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड व्हाट हैपेंस फिजियोलॉजिकली इज कि मेनोपॉज के टाइम पे जैसे ही मेनोपॉज होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो है, देर इज सडन सीजेशन, सडन स्टॉपेज, और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो फीमेल के बोन हेल्थ पे पड़ता है, और उसकी वजह से फीमेल जो है, फीमेल की बोन डेंसिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। और ऐसे केसेस में फीमेल्स जो है दे आर मोर प्रोन टू सफर फ्रॉम साइटिका। ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स हम मैंने पहले भी बताया ही है कि ऐसा कोई काम जहाँ पे आपको बहुत देर तक खड़े रहना है, बहुत देर तक बैठना है, या कोई हैवी लोड लिफ्ट करना है, सो ऐसे लोगों में बहुत कॉमन हो सकता है, दे आर एट मोर रिस्क इन डेवलपिंग साइटिका। देन ओबेसिटी, सो ओबेसिटी इज अगेन, ओबेसिटी तो मेरे ख्याल से बहुत सारे चीजों का एक रिस्क फैक्टर है, बट साइटिका में भी, बिकॉज इफ यू आर ओबेस देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट्स एंड दिस पुट्स प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर ऑल्सो प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज। और उसके अलावा कुछ मिसलिनियस कॉजेस जैसे स्पाइनल एब्सेस, मसल स्ट्रेन, स्कार टिश्यू इन्फेक्शन, पेल्विक फ्रैक्चर और सम डिसऑर्डर्स और इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। नाउ जैसे मैंने आपको ये बताया था एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, वैसे ही एक न्यू टर्म दैट हैज कम अप नाउअडेज इज नोन एज साइक्लिकल और कैटामेनियल साइटिका। नाउ दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। सो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से क्या होता है कि सायटिक नर्व विद इन द पेल्विस कॉम्प्रेस हो जाती है, एंड टिपिकली इसमें ये होता है कि पेशेंट्स प्रेजेंट विद द पेन इन द हिप एंड द बटक रेडिएटिंग टू द लेग एंड द फुट, स्पेसिफिकली द ऑनसेट इज फ्यू डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड देन इट इंक्रीजेस एंड इट सबसाइड्स 2 और 3 डेज और 2 वीक्स आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसलिए जो है इस तरह के साइटिका जो टिपिकली एक फीमेल में ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है उस दौरान अगर होता है, सो देन इट इज नोन एज साइक्लिकल और कैटामेनियल साइटिका। अब ये जो है ये कॉजेस थे। अब मैं आपको कुछ टेस्ट बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परफॉर्म करना, बहुत ज्यादा जरूरी है परफॉर्म करना। उसमें से सबसे कॉमन जो है वो है SLR टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को बिल्कुल एक सुपाइन पोजीशन में सुलाते हैं और पेशेंट का जो लेग है उसको हम एक सपोर्ट दे के, एक हाथ से नी पे सपोर्ट और दूसरा हाथ हील के नीचे, और धीरे से हम उस पेशेंट का पैर उठाते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि वेन एवर यू फील द पेन जस्ट लेट अस नो। और उसमें हम जो है पेशेंट को एक आर्बिट्ररी, हमें एक जजमेंट लेना होता है कि पेशेंट को पेन कब हो रहा है, लाइक 0 to 30 डिग्री आपने पैर उठाया तब हो रहा है, 30 to 60 डिग्री में हो रहा है या बियॉन्ड 60 डिग्री में हो रहा है। सो ये करना इसलिए जरूरी है कि इससे आपको जो है पता चल सकता है कि पेशेंट को किस वजह से साइटिका है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर SLR टेस्ट आपकी निगेटिव है, ओके, तो आपका ध्यान जाना चाहिए स्पाइनल स्टिनोसिस की तरफ, बिकॉज द SLR टेस्ट इज यूजुअली निगेटिव इन केसेस ऑफ स्पाइनल स्टिनोसिस। और इफ एट ऑल द पेन इज बिटवीन 0 to 30 डिग्रीज देन इट इज बिकॉज ऑफ नर्व रूट कॉम्प्रेशन।
If it is between 30 to 60 degrees, disease. And if it is beyond 60 degrees, then it is lumbosacral condition. Okay, so ये मैंने आपको already technique बता दी है. उसके साथ साथ और दूसरी जो test है वो है seated SLR. मतलब आप spine position पे नहीं, but एक chair पे भी patient को बिठा के टेक्निक जो है थोड़ी बहुत सिमिलर होगी, बट सीटिंग पोजीशन में होगी. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड टेस्ट विच यू शुड डू. देन देर इज द ब्रगार्ड टेस्ट. ब्रगार्ड टेस्ट जो है, अगर SLR पॉजिटिव होता है तो अफेक्टेड साइड पे करनी चाहिए. इट इज अ मोर कंफर्मेटरी टेस्ट. देन देर इज द हिप फ्लेक्शन टेस्ट, द पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच टेस्ट. ठीक है, ओके. एंड देन yes, then coming to the specific diagnosis. Now this test also help you in going towards the causes, but when we talk about diagnosis, we all know कि जहां पे spinal stenosis कॉज हो सकता है, lumbar disc herniation कॉज हो सकता है, spondylolisthesis या तो फिर spinal tumors, ये सब अगर causes है तो हमें definitely कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ेगी. अब इन्वेस्टिगेशंस क्या हो सकते हैं, तो मोस्ट कॉमन जैसे हम जानते हैं कि एक्सरे हो सकता है, अगर हम उससे आगे बढ़े तो सीटी स्कैन, एमआरआई, बट उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है साइटिका जैसे केसेस में डायग्नोसिस के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राम, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके साथ साथ नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, मतलब जो है नर्व जो है स्पेसिफिकली उसके वेलोसिटी कंडक्शन के भी आजकल टेस्ट होते हैं, जो हमें कुछ एडवांस केसेस में करवाने पड़ते हैं, जो हमें पैथोलॉजी का एडवांसमेंट दिखाते हैं. ठीक है, सो दिस इज इन्वेस्टिगेशन में जैसे हम एक्सरे करें अगर, तो एक्सरे में हमें पता तो चलेगा, बट फिर भी क्या होता है कि बहुत एक्यूरेट डायग्नोसिस अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू कंडीशंस के वजह से है, जैसे कि डिजेनरेटिव डिस्क डिसऑर्डर, तो ये एक्सरे में बहुत अच्छे से नहीं पता चलेगा. जैसे कि अगर कोई ऑल्दो इफ द स्पेस इज नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय द डिस्क, इट माइट शो अप एज अ एम्प्टी स्पेस ऑन एन एक्सरे. ओके, सो मैं तो ये कहूंगा कि उससे बेटर है एमआरआई, because it will provide a very well defined image of soft tissues and bones, and it can also detect tears in the disc, disc herniation or disc fragment. So aur uske sath sath it is also capable of detecting spinal stenosis. Phir bhi MRI ke bhi kuch limitations hai, jaise limited to diagnosing only structural pain conditions and often creates perfect circumstance for misdiagnosed sciatica syndromes in patients with ischemic based syndrome. So MRI ke bhi अपने कुछ limitations है, but as you all know these are just a helping tools. फिर you can also suggest CAT scan, computerized axial tomography और CT scan जैसे मैंने बताया था, या तो कई cases में ये CSF findings. आपको लगेगा कि CSF क्यों, तो CSF अगर आप करवाते हैं, अगर ऐसी कोई दूसरी हिस्ट्री है पेशेंट की, अगर कोई क्या बोलते हैं CNS हिस्ट्री है पेशेंट की, और अगर आप CSF फाइंडिंग्स देखें, और अगर CSF में प्रोटीन्स का लेवल अगर एलिवेटेड है, बड़ा हुआ है, सो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स जो बताता है कि फंक्शनल स्टेटस आपके नर्व रूट का क्या है, एंड इट इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ सीरियसनेस ऑफ साइटिका. Okay, so again another test is myelogram. Then you can do scintigraphy or SPECT imaging. और जैसे मैंने बताया कि nerve conduction studies भी कर सकते हैं. अब self care at home, जिसको हम बोलते हैं auxiliary treatment. Now we are from diagnosis to investigation. We are going towards the treatment part. So treatment में सबसे पहला आता है auxiliary treatment. So auxiliary में आपने patient को क्या बोलना है? सबसे पहले तो कि भाई आपके लोअर बैक को जर्क ना लगे किसी भी हालत में. यू शुड नॉट लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स एब्रप्टली, यू शुड नॉट सिट सडनली, यू शुड नॉट स्टैंड एब्रप्टली. ये सब आपको बताना पड़ेगा, पेशेंट को बताना पड़ेगा किस प्रॉपर स्लीपिंग पोस्चर में आपने सोना चाहिए. उसके साथ साथ कई बार अगर बहुत अक्यूट पेन है तो आप उनको हॉट फॉर्मेंटेशन या कोल्ड फॉर्मेंटेशन ये भी बोल सकते हैं. उसके साथ साथ कुछ केसेस में जहां पॉसिबल है वहां पेशेंट को वॉकिंग और स्विमिंग भी बोल सकते हैं, जो लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
उसी का एक पार्ट है फिजियोथेरेपी। मैंने देखा है कि अगर साइटिका जैसी कंडीशंस में मेडिसिन के साथ साथ अगर हम फिजियोथेरेपी की हेल्प लेते हैं, सो इट इज फार फार मोर बेनिफिशियल। ठीक है, बिकॉज प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट कैन सजेस्ट प्रॉपर एक्सरसाइज टू द पेशेंट्स कि भाई आपको किस तरह और किस तरह का पेन है या किस साइड पेन है, उस हिसाब से जो है वो प्रॉपरली आपको बता सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी जरूर करनी चाहिए। देन यस, नाउ कमिंग टू अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू हाउ टू डू योगा, बट मैंने जो रिसर्च में पाया है कि कुछ योगा पोस्चर जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है साइटिका के पेशेंट्स में। तो आप पेशेंट्स को योगा भी सजेस्ट कर सकते हैं, आप नाम बता सकते हैं आसनास का, या आप बोल सकते हैं कि आप किसी योगाचार्य को भी प्रॉपरली मिले जो आपको साइटिका के कुछ योगा पोजेस बताएंगे, जहां जो मैंने यहाँ पे टॉप 8 योगा पोजेस बताए हुए हैं। यस, दिस इज द सेम थिंग। नाउ ये पेशेंट को समझाना बहुत जरूरी है। प्रोग्नोसिस, व्हाट डज इट से? इट सेज दैट मोस्टली 80 to 90% ऑफ द पीपल फुल्ली रिकवर फ्रॉम साइटिका विदाउट सर्जरी। इन मोस्ट केसेस द नर्व इज नॉट परमानेंटली डैमेज एंड इंडिविजुअल्स रिकवर इन 3 week to 3 month टाइम फ्रेम। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेशेंट्स को लगता है या कई बार उन्हें कह दिया होता है कि सर्जरी ही ओनली ऑप्शन है। ऐसा नहीं है, होम्योपैथी अलोंग विद फिजियोथेरेपी बहुत इम्प्रूवमेंट दे सकता है। अब अगर हम होम्योपैथिक पार्ट पे आए, तो मैंने यहाँ पे दो अफोरिज्म बहुत स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं, 147 एंड 252। सो 147 जो है इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक रेमेडी। अब मैं ये यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि हमें सिमिलिमम तो चाहिए ही, हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे ही दवाई देनी है, पर फिर भी कई केसेस में हमें स्पेसिफिक रेमेडी देनी पड़ती है टू गिव एक्यूट टेम्पररी रिलीफ टू द पेशेंट। सो ये हमें करना चाहिए ट्रीटमेंट के पार्ट में। एंड वेन एवर 252 में कहा गया है कि वेन एवर द माइन्यूटेस्ट डोज डज नॉट इफेक्ट एन इम्प्रूवमेंट, इट इज अ श्योर साइन दैट द कॉज दैट कीप्स अप द डिसीज इज स्टिल देयर। ओके, सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पेशेंट को करवाना पड़ेगा अगर परमानेंट क्योर चाहिए। माइजमेटिक अप्रोच में मैंने ये लिया हुआ है कि भाई न्यूरालजिक पेन अगर है तो वो सोरा में आता है, शूटिंग और टियरिंग पेन साइकोसिस में आता है, सोरिक और सुडोसोरिक ओरिजिन के अगर जो पेन है वो रिलीव्ड बाय रेस्ट और वार्म होंगे, सिफिलिटिक पेन वर्स एट नाइट होंगे, साइकोटिक पेन वर्स एट रेस्ट होंगे, और पेशेंट विल बी रिलीव्ड बाय मूविंग और रबिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे टिपिकल एक माइजमेटिक इंक्लूजन्स भी व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने माइजमेटिक क्लीवेज यहाँ पे बताने की कोशिश की है, जहां पे अगर इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है तो साइकोटिक प्रिपोंडरेंस है, इन्फ्लेमेटरी है तो भी साइकोटिक प्रिपोंडरेंस है, डिजेनरेटिव है तो सिफिलिटिक प्रिपोंडरेंस है, एंड अगर ट्यूबरक्यूलर पैथोलॉजी है तो सूडोसोरिक प्रिपोंडरेंस है। अब इसके साथ साथ हमें ऑर्गेनन के साथ साथ जब हम मटेरिया मेडिका से टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से अगर हम सिमिलिमम लेने वाले हैं तो हमें रेपर्टरी का जरूर जरूर यूज करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास बहुत अच्छे से बहुत सारे रेपर्टरीज में जो है वो बहुत डायरेक्ट रूब्रिक्स दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं केंट्स रेपर्टरी में एक्सट्रीमिटीज पेन लोअर लिम साइटिका डायरेक्ट रूब्रिक है, फिर सब रूब्रिक उसके राइट साइडेड सियाटिका, लेफ्ट साइडेड सियाटिका, मॉर्निंग सियाटिका, सियाटिका एट नाइट। वैसे ही डॉक्टर फाटक ने डायरेक्ट रूब्रिक दिया है सियाटिका, डॉक्टर फाटक ने सब रूब्रिक दिए असेंडिंग सियाटिका और कफिंग एग्रेवेशन सियाटिका, फ्लेक्सिंग लेग एमोलरेशन इन सियाटिका। सो इस तरह से बहुत सारे रेपर्टरीज डॉक्टर जी एच क्लार्क की क्लिनिकल रेपर्टरी में दिया गया है, सिंथेसिस रेपर्टरी में दिया गया है। सिंथेसिस रेपर्टरी में अगर आप देखेंगे कि सियाटिका विथ फॉर्मिकेशन तो सिंगल रेमेडी नफेलियम, और हम सब जानते हैं कि नफेलियम इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिफिक रेमेडी इन केसेस ऑफ साइटिका, यू शुड नॉट फॉरगेट इट। देन कंप्लीट रेपर्टरी में भी दिया गया है, तो इस तरह से वी शुड ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ रेपर्टरी। अब जाते हैं केसेस पे। केसेस में जैसे मैंने बताया था कि मैं बहुत डिटेल अपने केस मैंने कैसे लिया क्या लिया उस पे ना जाते हुए मैं असेसमेंट किस तरह से करता हूँ ये आपको बताऊंगा, कि मैं पेशेंट के जो पैरामीटर्स है सबको लेकर ये जो मैंने 5 पैरामीटर है उसमें मैं नोट डाउन करता हूँ, या तो मार्क्ड इंप्रूवमेंट है या मॉडरेट इंप्रूवमेंट है
या माइल्ड इंप्रूवमेंट है या बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं है या तो कंडीशन वर्स हो गई है. सो मार्क्ड इंप्रूवमेंट मतलब क्या, ऑल पैरामीटर्स आर नॉर्मल एंड 70% और मोर इंप्रूवमेंट है एट जनरल लेवल. मॉडरेट आई हैव क्लासिफाइड इट एज 50%, देन माइल्ड इट इज लेस देन 50% एंड नो इंप्रूवमेंट इज देयर इज नो रिस्पॉन्स आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर अ सफिशियंट पीरियड एंड वर्स इज एग्रेवेशन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम. अब ये सब जो है ये मैं DN4 स्केल, दैट इज डॉलियर न्यूरोपैथिक स्केल, और दूसरा जो है VAS विजुअल एनालॉग स्केल, इसके ऊपर से मैं डिसाइड करता हूं. अब ये DN4 स्केल जो है इसमें 10 क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं होते हैं जिसमें पेशेंट को यस और नो पे आंसर करना होता है. जो 7 क्वेश्चंस, जो 7 आइटम्स है वो पेन के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है और बाकी के 3 आइटम्स जो है या 3 क्वेश्चंस जो है वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, और हर यस का 1 पॉइंट है, हर नो का 0 पॉइंट है. जैसे मैं ये आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पे ये एक पेपर है, ये आप अपने फॉलोअप शीट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और लास्ट में आप पेशेंट का स्कोर ले सकते हैं, और ये आप हर फॉलोअप में कर सकते हैं जिसको आपका जिससे आपको पेशेंट का इम्प्रूवमेंट पता चलेगा, या फिर अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा है वर्स हो रहा है तो भी आपको पता चलेगा, जिसमें बर्निंग, पेनफुल कोल्ड, इलेक्ट्रिक शॉक सब आ गया है. एंड सेकेंड इज विजुअल एनालॉग स्केल, इट इज अ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट that tries to measure a characteristic that is believed to range across a continuum of values and cannot easily be directly measured. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल स्केल है, काफी सारे पेन कंडीशंस में यूज होता है, 10 पॉइंट पे होता है, पेशेंट को आपने पूछना है. सो 0 इज नो पेन एंड 10 इज द वर्स्ट पेन पॉसिबल. ओके, नाउ आई विल जस्ट गो थ्रू द केसेस, मैं केस का डिटेल नहीं बताऊंगा बट मैं यहाँ पे मेरा रेपर्टराइजेशन की स्पीड जरूर बताऊंगा, और आपको ये बताना चाहूंगा कि नख स्वामिका जैसी रेमेडीज वो भी जो है, जैसे मैंने इस केस में रूट दिया था बिकॉज उसके व्हाट यू कैन से सिम्टम्स जो है वो ज्यादा कवर किए थे टोटलिटी कम होने के बावजूद, तो रूट तो हम सब जानते हैं. नेक्स्ट मेरे केस में आप बताएंगे, देख पाएंगे जो एक इंजीनियर था जो नोन केस था लंबर स्पॉन्डिलोसिस का और जिसने इन्वेस्टिगेशन भी कराए हुए थे, उनको मैंने नख स्वामिका दिया था टोटलिटी की बाद, और आप देख सकते हैं कि फॉलोअप में द पेशेंट इज इन द लास्ट फॉलोअप ऑलमोस्ट 85% बेटर, अ पेशेंट ऑफ लंबर स्पॉन्डिलोसिस सफरिंग फ्रॉम साइटिका. दिस इज द अनदर केस ऑफ अ फीमेल वेरिन आई हैव प्रिस्क्राइब कालिकार्ब एंड द पेशेंट इज बेटर, ऑल कंप्लेन्ट्स आर रिलीव्ड आफ्टर 6 फॉलोअप्स. यस आई विल टेल यू कि कुछ फॉलोअप में कुछ जनरल सिम्टम्स वापस आए थे, जहां पे मुझे कुछ रेमेडी जो है वो सिंगल डोज में वापस रिपीट करनी पड़ी थी, बट एट द एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. फिर और एक केस जहां पे मैरिड वीमेल का, जहां पे मैंने उनको रस्टॉक्स दिया था एंड द पेशेंट इज सिंस लास्ट फॉलोअप 50% बेटर, एंड इन द लास्ट केस ऑल्सो वेर आई हैव प्रिस्क्राइब कालिकार्ब वेर द पेशेंट इज ऑलमोस्ट 60% बेटर व्हेन आई लास्ट सॉ द पेशेंट. सो दिस इज ऑल आई थिंक फ्रॉम माय साइड एंड आई मस्ट से आई वाज अ लिटिल बिट फास्ट इन एक्सप्लेनिंग द स्लाइड्स, बट टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से मुझे थोड़ा फास्ट बोलना पड़ा, कुछ चीजें मुझे बहुत फास्ट जानी पड़ी, बट मैं आशा रखता हूं कि जो कुछ मैंने बताया इट वाज अप टू द मार्क एंड आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट इन अ वे दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, थोड़ा फास्ट हो गया था बट फिर भी आई थिंक आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन द बेस्ट वे पॉसिबल आई कैन. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरव भट्ट जी का, जिन्होंने शियाटिका के बारे में काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी. हाँ, उनके वेरियस जो बैकग्राउंड रहा है शियाटिका का इंडियन मेडिसिन में, एंड और जो वेरियस शियाटिका के टाइप्स होते हैं और क्या क्या मेजर कॉजेज होते हैं, दैट ऑल्सो इन डिटेल हमें बताया गया, और कुछ केसेस भी उन्होंने थोड़े शॉर्ट में ही शेयर किया. तो मतलब जैसे और आगे के सेशंस में डॉक्टर गौरव केसेस की डिटेल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, आई गेस. जरूर 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 हाँ जरूर. जी, आ और टाइम दैट विल कंस्ट्रेंट होने की आल्सो, वजह से मुझे थोड़ा फास्ट हाँ जी रहना हाँ पड़ा. जी, कई बार वो कंटेंट इतना हो जाता है सभी के लिए होता जी है कि वो एक जी सेशन में फिट नहीं हो पाता है, जी तो वी कैन हैव मोर सेशंस, और सेशंस हम कर सकते हैं. और किसी को जो भी क्वेश्चंस और या कुछ फीडबैक देना हो, डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. हाँ डॉक्टर डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर भट्ट जी.
थैंक यू बहुत सर। अच्छा साइटका पर आपने डिस्क्राइब किए और हर तरह का बताए, और खास करके म्याजमेटिक भी बताए कि म्याजमेटिक रोल ऑफ म्याजमेटिक सोरा एंड साइकोटिक इंग्लिश में भी दिए थे। बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो, सभी धन्यवाद को धन्यवाद सर, प्रणाम। ठीक है, ठीक प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद है सर। डॉक्टर गौरव। डॉक्टर गौरव आपने आपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। सर ये ऑन है मेरा एक वीडियो सर। हाँ उसको ओपन कीजिए, वो उस पर उसको इसको अच्छा वो डिक्लाइन। हाँ उसको या तो हाँ जी सर दिख रहा है हाँ सर। दिख रहा है जी। जी सर, जी सर, बहुत अच्छा लगा गौरव जी आपको, मैंने पहले इंग्लिश सेशन में भी कुछ सुना था, जी सर, और मैडम रावल हीना जी ने भी आपका काफ़ी तारीफ किया है, जी और जी उन्होंने सर, ही आपको रिकमेंड भी किया। और जी मैं सर, आपके विषय में ये अहमदाबाद होम्योपैथिक कॉलेज में मैं बराबर विजिट करता रहा हूँ, जी सर, आपको जी याद सर, होगा, जी सर, और मुलाकातें भी हुई हैं, और मैं देखता हूँ कि जी आप लोग वहाँ पर काफ़ी टेक्निकली काम कर रहे हैं, और साइटिका पर ही आपका बहुत ही वंडरफुल प्रेजेंटेशन है। और दूसरी बात की मैं जो देखता हूँ वो है कि आपने जो प्रेजेंटेशन किया है बड़ा ही सिस्टमिक और साइंटिफिक अप्रोच इसमें डालने का कोशिश किया है, क्योंकि आप इसमें साइंटिफिक वे में आप काम भी कर रहे हैं, और पूरे पारुल यूनिवर्सिटी में भी यह काम ऐसा चल रहा है कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग को अपने जो असेसमेंट की बात करी लास्ट में, ये जी मुझे सर, लगता है कि सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो उनके लिए क्लिनिकल ये बताना कि ये वास्तव में मेरा ट्रीटमेंट सही हुआ या नहीं हुआ, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी इसलिए सर, मैं सभी होम्योपैथिक चिकित्सक से निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को एक मेथोडोलॉजिकल फॉलो कीजिए, मेथड्स बनाइए, क्लिनिकल मेथड्स को अपनाइए, क्योंकि होम्योपैथी को केवल ऐसे ही प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बाद में बहुत सारी नियम कानून के अंदर में जब काम करना हो, तो आप अगर कभी कहते हो कि मैंने यह बीमारी ठीक कर दिया, तो आपको ये प्रमाण प्रूफ देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं एविडेंस बेस्ड केस की बात आती है। तो ये सारी बातें को ध्यान में रख करके, और हम लोगों का इस फोरम का भी यही मकसद ही है कि सभी चिकित्सक अपने आप को अपग्रेड करें। अपग्रेडेशन इम्पॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग अपग्रेडेशन हो सकता है। मैं भी आज इस उम्र में हमेशा पढ़ने का प्रयास करता हूँ, आप लोगों से साझा करता हूँ, आप लोगों से भी सीखता हूँ। गौरव जी मैंने आपसे भी सीखा इस उम्र में, तो ये एक ऐसा है अरे सर कि आपका मार्गदर्शन सर है। ये हमेशा मैंने सीखने का कोशिश किया है, और अब जब तक सीखते रहोगे तो आप बूढ़े नहीं होगे। तो मैं जी तो ये सर, सोचता हूँ कि मैं भी बूढ़ा नहीं हुआ, मैं भी अभी भी स्टूडेंट हूँ। तो जी डॉक्टर सर, अगर अपने आप को स्टूडेंट समझता रहे तो मैं समझता हूँ कि उसका प्रैक्टिस में काफी चेंजेस आता रहता है। आप डेली चेंज कर सकते हैं, डेली बदलाव हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो जी सर, मैं समझता हूँ कि हम लोग का सेशन खत्म हो रहा है, एंड डॉक्टर धनेश आई हैव मेड यू द को होस्ट नाउ, आई थिंक यू आर द होस्ट टुडे। आई हैव मेड द होस्ट टू द डॉक्टर धनेश, इट यस इज देयर, बट आई डोंट फील डॉक्टर धनेश इज, दिस इज डिफरेंट धनेश। यस Oh, yeah, इट you're here now. I see you, sir. I see you, sir. So, now it is time to close this Hindi session. Neha जी ji, सर, हम गौरव जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं पुनः, सर और बहुत 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 धन्यवाद सर आपका, और पूरे पूरे फिर से फोरम आइए, का बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद मुझे जिन्होंने पारुल मुझे ये यूनिवर्सिटी मौका से दिया। काफ़ी अच्छे स्पीकर्स मिल रहे हैं। जी मुझे सर, पारुल यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन हमारे फोरम के लिए बहुत अच्छा है। आपके पांडा जी भी अपने यहाँ पर आए, हीना जी भी आई हैं, जी सर, डॉक्टर ये सितार्थ भादोरिया सितार्थ भी सर, हैं, काफ़ी लोग प्रणाली मिस्त्री भी आ रही हैं। जी सो सर, मेनी कंट्रीब्यूशन आर देयर, जी एंड सर, क्योंकि आपका रिसर्च वर्क चलता है, आप काफ़ी कर रहे हैं। जी इसके सर, साथ में हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करते हैं, जी एंड सर, वी हैंड ओवर टू द इंग्लिश सेशन, एंड वेयर डॉक्टर इशिता गंजू आई थिंक विल बी एड्रेसिंग अबाउट समथिंग। सो अच्छा सर, सर 1 मिनट ये सर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये मौका दिया फोरम का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इशिता जी ज्वाइन कर ली है, अगर डॉक्टर इशिता इशिता, अगर डॉक्टर ज्वाइन, इशिता यू आर हियर, आई डोंट सी यू।
इट्टी ज्वाइन ओपन योर वीडियो डॉक्टर इसीता आई एम अनेबल टू सी यू नॉट इट आई हैव ज्वाइन टू कॉल हर ओके ओके आई हैव टू कॉल हर नॉट इट ज्वाइन सर आई शुड Meanwhile, we can. Doctor Gaurav, you wanted to say something? बस सर आपको धन्यवाद करना चाह रहा था और मैं डॉक्टर इशिता का नहीं धन्यवाद तो हम लोग करेंगे हमारा फोरम करता है आपको धन्यवाद नहीं नहीं सर कि आप हम लोग इतना समय दिए हम अरे लोग तो बिल्कुल एक नहीं सर आयोजक हैं सर आपसे एक काफी ऑर्गेनाइजर चीजें के रूप सीखी में हम है लोग जब आप कॉलेज में आते थे मिलते थे आपने काफी सारी चीजें सिखाई है तो उसको हम आगे लेके अभी उसको एक लेगेसी आपकी लेके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़े और जितना हमसे बन सकता है होम्योपैथी की फील्ड में हम काम करते रहे सर आपके कॉलेज के विषय में थोड़ा सा मैं बताता हूँ जब तक मैडम ज्वाइन करती है। जी। अहमदाबाद कॉलेज जब मैं पहली बार गया था तो मेरे दिमाग में यह भरा गया था कि अहमदाबाद कॉलेज कुछ भी नहीं है एक गैराज में चलता है। तब वहाँ मैं गया तो मेरे सारे ये जो थे जो फीडबैक्स बड़ा अति लगा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसको लोग गैराज कैसे कहते हैं। तो हमको लगता है कि ये लोकल जेलेसी था जी और सर ये आज आप देखिए उसी गैराज से उसी एक एक महल से आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया जी सर बड़ौदा में राजकोट में। तो अपने आप में पूरे होम्योपैथिक फ्रैटर्निटी के लिए या एजुकेशन सिस्टम के लिए ये जो पारुल यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर जेके पटेल का। मेरे जी सर बहुत बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहे हैं डॉक्टर जेके जी सर पटेल। उन्होंने मैं बराबर मुझे अपने साथ में रखा। मैं जब भी बड़ौदा जाता था स्टेशन पर खुद लेने के लिए आते थे एयरपोर्ट पर खुद लेने के लिए आते थे। जी सर तो जी इसके इसीता इज वेटिंग फॉर इसीता हाँ जी मैं इसीता यू आर डॉक्टर क्लोज इशिता का नाम सुन के भी इसलिए रुक गया सर क्योंकि डॉक्टर इशिता गंजू जो है वो मेरे पीजी में मेरे 1 साल सीनियर रहे हैं अच्छा उनसे वो एक बैच चंडीगढ़ आगे वाला है थे। इसीता जी अभी चंडीगढ़ में है। हाँ जी वो चंडीगढ़ में है अभी जी जी और जी जी वो मेरे ही सब्जेक्ट में मुझसे 1 साल आगे मेरे सीनियर थे तो अच्छा अच्छा मैंने सोचा ये फोरम पे उनको भी नहीं थोड़ा काफी नमस्कार एक्टिव है आज होगा पता नहीं क्यों लेट हो रही हैं। जी बस वेट कर रहा हूँ बहुत रेगुलर आती थी आज तो लेट हो रही हैं। ऐसे